तो आज हम पीरियोडिक टेबल की जिस प्रॉपर्टी को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को कॉमन लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एफिनिटी का मतलब ही होता है लाइकिंग। दैट मींस कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम इस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले इसका जो डेफिनेशनल प्रॉस्पेक्ट आता है, चलिए उसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है। जब ये आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो ये एटम अपने एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गैसियस स्टेट में ही होता है। तो एक न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके अपने एनायन में बेसिकली कन्वर्जन लिया, और इस दौरान देखा जाता है कि जो एनर्जी होती है वो रिलीज्ड होती है, वो एनर्जी रिलीज्ड होती है। दैट मींस कि यहाँ जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिलीज क्या होती है। लेकिन इससे पहले हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट इज ऑफ एन एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम इज एडेड एंड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस एनायन इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिलीज क्यों होती है। तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक एटम है, और इस एटम में यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस इलेक्ट्रॉन की बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से हम सब जानते हैं कि जो हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बेसिकली एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अब है क्या कि यहाँ पे एक बाहर का इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम नाम दे देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम एंटरिंग इलेक्ट्रॉन का नाम दे देते हैं, इसको हम एंटरिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इस एंटरिंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हायर है, हायर एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके कंपैरिजन में जो एंटरिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इस एंटरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे फिट हो जाए। कंडीशन ये है कि एंटरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी थोड़ी एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, तभी ये इसकी एनर्जी के साथ इक्वलाइज होगा और ये इस शेल में अकोमोडेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एंटरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा थी, इसीलिए वो एनर्जी का लॉस करेगा, और वो लॉस डेल्टा एच नेगेटिव के फॉर्म में, या जो डेल्टा एच एनर्जी रिलीज होती है जब एक आइसोलेटेड वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एडअप होता है, तो इसलिए बेसिकली जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ तब वैलिड है जब यहाँ पे आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है और वो अपने एक यूनि नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्यों बेसिकली जब एक
आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और वो यूनि नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट होता है, तो क्यों एनर्जी बेसिकली रिलीज हो जाती है। अब देखिए यहां पर एक और हम केस स्टडी कर रहे हैं कि अगर एक यूनि नेगेटिव एनायन में, दैट मींस कि मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एक यूनि नेगेटिव एनायन है और इस यूनि नेगेटिव एनायन में आप एक इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने डाई नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट होगा। ये दोनों बच्चों गैसियस स्टेट में होंगे, लेकिन क्योंकि यहां पे ऑलरेडी माइनस वन चार्ज आ गया, देयर इज अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ रिपल्शन विच विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस यूनि नेगेटिव, दिस इज अ यूनि नेगेटिव एनायन, अ ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस यूनि नेगेटिव आयन, या जिसको हम सिंपल में एनायन भी कह सकते हैं, ए एन आई ओ एन। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को शेल में डालने के लिए जो एनर्जी होगी वो एक्चुअली बच्चों रिक्वायर्ड होगी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब हम बात करते हैं, देखिए इस स्टेप की, कि जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया और ये O माइनस वन में कन्वर्ट हुआ तो यहां पे डेल्टा एच रिलीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे बेसिकली नेगेटिव होगी। लेकिन जब ये O माइनस वन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके O टू नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो यहां पे बेसिकली जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू बेसिकली क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये देखिए, ये मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया जो बेसिकली नीट में आया हुआ है। तो ये किसी भी एंट्रेंस का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम आयनाइजेशन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी को डील करते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो यहाँ पर था ये मैंने आपको डील किया है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। वो कौन डिसाइड करेगा, वो बेसिकली डेल्टा एच डिफाइन करेगा। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। तो पहली बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करती है, और एक्चुअली जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जिसको हम ई ए कहते हैं, इट इज अ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ई ए इज अ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ये इज अ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, क्यों? बिकॉज नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए, ये इसका एक और पॉइंट हो गया जब हमने यहाँ पर इस चीज को बेसिकली स्टडी किया। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट नंबर टू आता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी। इसीलिए हम आगे जाके देखेंगे कि जो हैलोजन्स होते हैं उनकी हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है। तो बेसिकली द हायर द एनर्जी रिलीज्ड, हायर द एनर्जी रिलीज्ड, हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये देखिए पॉइंट नंबर सेकंड आ गया। अब हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है कि जो सन्यासीज होते हैं वो बेसिकली
उनमें कोई मोह माया नहीं होती। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन से दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो सन्यासीज ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाते हैं, या कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके पास फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड है। तो उस केस में ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो जीरो होगी। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे ग्रुप सेकेंड ए और सेकेंड ग्रुप भी कह सकते हैं इसको, और आपके पास जो ग्रुप 18th होता है, जिसको बच्चों हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हेलोजेंस की सॉरी नोबल गैसेस की कैटेगरी में रखते हैं, और नोबल गैसेस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप जानते ही हैं कि यहां पे फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस बनता है। दे आर फुल फिल्ड, दे हैव फुल फिल्ड ईसी, और जब इनके पास फुल फिल्ड ईसी होता है तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। मतलब इनमें फुल सैचुरेशन हो चुका है, दे विल नाइदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स। हेंस द ऑलवेज रिमेंबर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम आएगा, और ग्रुप जीरो जो है जो बेसिकली नोबल गैसेस का है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन आएगा, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा जीरो होगी। अब नॉर्मल सी बात जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ी भी है, पहले लेक्चर्स में भी पढ़ी है, कि अलोंग द पीरियड की जब मैं बात करूंगा, अलोंग द पीरियड, और दूसरी प्रॉपर्टी है जब मैं बात करूंगा डाउन द ग्रुप। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है, इसीलिए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होती चली जाती है, और उस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बेसिकली इंक्रीज करेगी, और रेसिप्रोकेशन में चला जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्योंकि जो शेल्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज तो बताई दी है कि जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय अ यूनी नेगेटिव आयन, द एनर्जी इज ऑलवेज सप्लाइड टू इट, और इसका मैं आपको केस बताता हूं, और इसका केस हम यहीं पे देख लेते हैं। तो जब कभी भी देखिए ऑक्सीजन माइनस वन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके ओ टू नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे देखिए हमेशा जो एनर्जी होगी वो आपको रिक्वायर्ड होगी, एंड दैट एनर्जी मैं डाटा के फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, इट इज 780 प्लस 780 किलो जूल्स पर मोल। तो ये पॉइंट को मैंने स्टार्ट ऑफ लेक्चर में ही डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डील करते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिलेशन में लिख सकते हैं, हम यहां पर उसकी बात करते हैं। तो ऐसे में ही जो पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैं आपका बना दे रहा हूं, आप एक चीज समझिएगा कि जहां पे भी फुल फिल्ड का केस आएगा वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगी, कॉन्सेप्ट नंबर वन। कॉन्सेप्ट नंबर टू, जब कभी भी एक एनायन में जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब एक यूनी नेगेटिव आयन दैट इज एनायन, अब एक इलेक्ट्रॉन का और गेन करके अपने डाई नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट होगा, तो उस समय एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि हमने ऑक्सीजन माइनस वन में का कन्वर्जन ऑक्सीजन टू नेगेटिव में देखा।
जब कभी भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसमें बेसिकली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी, जिस कारण से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जिन एलिमेंट्स की हाईएस्ट एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, उनमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली जिस पर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि देखिए हेलोजेंस हैव, क्वेश्चन है हेलोजेंस हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, या मैं ये कह सकता हूं हेलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यूज। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। और आपको पता है बहुत सिंपल सा इसका मैं आपको एक रीजन बता रहा हूं। तो देखिए ये हेलोजेंस की हम बात कर रहे हैं और अगर हम यहां पे हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम सपोज NS2 NP5 की बात करते हैं बच्चों। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई जब मैंने हेलोजेंस की मान लीजिए यहां पर बात करी। अब जब मैंने ये हेलोजेंस की बात करी तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एस सब शेल में और 5 पी सब शेल में है। सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये आपके पास हेलोजन का ईसी हो गया और आप यहां पे देख सकते हैं पी ऑर्बिटल ना तो फुलफिल्ड है क्योंकि फुलफिल्ड होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे और हाफ फिल्ड होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, इसलिए एक नॉर्मल ईसी का केस होता है। और मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट के हिसाब से जहां जहां भी नॉर्मल ईसी का केस होगा वहां पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और जहां पे कम से कम इलेक्ट्रॉन का गेन करके वो अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में कन्वर्ट होगा उसकी ई ए की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में होगी। और हेलोजन्स का ऐसा केस बनता है क्योंकि देखिए हेलोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होने के लिए, इसके लिए इस कारण से ही इसकी हाईएस्ट नेगेटिव ईए वैल्यूज होंगी, हाईएस्ट नेगेटिव ईए वैल्यूज होंगी। तो ये देखिए एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों बन गया कि जब मैंने यहां पर बात करी किस चीज की, हेलोजेंस की। लेकिन अब हेलोजन सीरीज में ही देखिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास क्लोरीन होता है, क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या है। इसका सिर्फ आंसर ये होता है कि सिंस फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इट फेसेस मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन 2p सबशेल्स। और बहुत अच्छा समझने के लिए साइज छोटा होने की वजह से इसका बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि इवन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब आप बात को समझिएगा, ये तो इसका स्कूल में लिखने वाला
रीजन हो गया क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, वरना यहाँ तीन केसेस बन जाएंगे, स्मॉल साइज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जिसके पास नहीं होगा उसका साइज डेफिनेटली छोटा है, वो सेकेंड पीरियड तक ही एलिमेंट में जाएगा, और उसमें क्या होता है, ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इन द टू पी सबशेल्स होगा, जिस कारण से जब भी एक एंटरिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में एंटर होगा, छोटा होने के कारण वो कहीं से भी एंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ओवर इवन है, वो रिपेल हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन के पास लेस टेंडेंसी होगी एंटरिंग इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपेरिजन में कंपैरेटिवली बड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टू पी सबशेल में वो स्कैटर्ड हैं। दैट मीन्स कि जहां पे टू पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी भी कम होगी, वहीं से एंटरिंग इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसको हम डायग्रामेटिकली यहां समझ सकते हैं कि सपोज बच्चों ये मैंने फ्लोरीन बनाया, और देखिए ये मैंने क्लोरीन का साइज बनाया, तो यहाँ पे ये F है और ये Cl है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है और जो क्लोरीन है उसका साइज बड़ा है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इवन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से जनरेट करा दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस इवन है। तो होगा क्या कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा, तुरंत रिपेल हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन के केस की अगर आप बात करेंगे, तो क्लोरीन में जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी, वहां पे फटाफट से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में अकोमोडेट हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, या क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, और उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। तो दैट मींस फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये कंपटीशन का हायरार्की का क्वेश्चन बनता है। अब आप देखिए यहां पे अगर हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे जाएं, और वो तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सेकेंड ए ये मैंने आपको बताया है, वो है ये थर्ड कॉन्सेप्ट बच्चों, ये वाला कि हमारे पास बेसिकली जो सेकेंड ए और नोबल गैसेस होती हैं, या कि जो ग्रुप 18th में आती हैं, उनमें सेल सैचुरेशन के कारण उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जीरो होती हैं। अब हमें एक केस और स्टडी करना है बस, और वो जो केस है वो है उन एलिमेंट्स का जिनकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होती है। तो आप इस चीज को यहां पे समझिए, वो केस है नाइट्रोजन का। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। तो चलिए इसको हम यहां पर समझते हैं। तो नाइट्रोजन की हम सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो, तो जो एटॉमिक नंबर जब 7 होता है, तो आप देखेंगे यहां पे कि जो हमारा पी सबशेल आएगा, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, और ये आ रहा है देखिए 2p3, और पी में आप देख रहे हैं कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अटेन हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एंटरिंग इलेक्ट्रॉन को अगर आपको शेल में अकोमोडेट करना है, तो बेसिकली आपको एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी बेसिकली यहाँ रिक्वायर्ड होगी। तो ये हमने यहाँ पर कुछ केसेस देखे, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम विच इज इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट टू गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू
एनआईएन, एंड इस दौरान बेसिकली एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद हमने उसके केसेस को स्टडी करा और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा है, और लास्ट में तीन फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज होता है, एटॉमिक साइज होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। हमने इस पॉइंट को यहां डिस्कस करा है कि पीरियड के अलोंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो फुल फिल्ड होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जीरो होगी, और जो एटॉमिक साइज होगा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसीलिए आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। तो दैट्स ऑल फॉर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़।